सरकारी धन के बंदरबांट के संबंध में लगाई न्याय की गुहार। बस्ती जनपद में चल रही बदहाल पंचायती राज व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं। अभी हाल ही में 32 प्रधानों का पावर खत्म कर उनके खिलाफ जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा FIR पंजीकृत कराया गया, लेकिन प्रधानों को इसकी कोई परवाह नहीं। ताजा मामला विकास खंड साउघाट के ग्राम पंचायत मझुआ मीर का है। ग्राम पंचायत के निवासी अब्दुल जलील उर्फ चुन्ना पुत्र गरीबुल्लाह ने जिलाधिकारी बस्ती व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को शिकायती पत्र भेजकर पंचायत में चल रहे फर्जीवाड़े की जांच की मांग की। उन्होंने शिकायती पत्र में दर्शाया है कि मझुआ मीर के वर्तमान प्रधान मैसूर निशा पत्नी अनवर अली व प्रधान प्रतिनिधि फयाज अहमद पुत्र अनवर अली के द्वारा पंचायत निधि के पैसे का दुरुपयोग कर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। गांव में तमाम फर्जी काम दिखाकर उसका भुगतान प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि व सचिव और जेई मिलकर गबन कर लिए। उन्होंने कहा विगत दो वर्षों में प्रधान मैशूर निशा व प्रधान प्रतिनिधि फयाज द्वारा लगभग 50 लाख रुपए का फर्जी भुगतान बिना काम कराए ही प्राप्त किया, जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि उपरोक्त फर्जी भुगतान व अनियमितताओं के बारे में ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। चंद्रभूषण उपाध्याय, जिला संवाददाता, बस्ती, टीवी इंडिया 18। क्या नाम आपका है, कौन सा ग्राम सभा है? मेरा नाम है अब्दुल जलील उर्फ चुन्ना, ग्राम पोस्ट मझुआ में, थाना वालसागंज, जनपद बस्ती। क्या समस्या है आपको? हमारे गांव में समस्या यही है कि सर, जो हमारे गांव का जितना कार हुआ है सरकारी नल जी, एक भी हमारे गाँव का नहीं सही। आप उसको देख करके जाँच कर लीजिए। जो नल का पेमेंट हो गया है, बोर हुआ है और बोरिंग हुई है, सब कुछ आप चेक करके उसको बता दीजिए। कोई एक नल का काम नहीं हुआ है। चक्रोट आप देख लीजिए कच्चा जी, उसमें भी सारा काम उसी टंपरवारी और कुछ काम कराए हैं, वो भी ठीके से। अच्छा, ठीके से काम करवाए। हाँ, क्या यहाँ जो नरेगा मजदूर हैं उनसे काम नहीं करवाते हैं क्या? नहीं, उनसे काम नहीं करवाए हैं। नरेगा मजदूर भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वह बयान दे देंगे, जो मजदूर जहाँ काम किए हैं वो बताएंगे। कितने हैंडपंप होंगे आपके ग्राम पंचायत? हमारे गाँव पंचायत में होंगे लगभग 20-22 हैंडपंप। 20 से 22। कितना पैसा निकल चुका है? 3-3.5 लाख रुपया निकला है, जिसमें ये है वो जो कागज है मेरे पास, उसमें 9 हैंड पाइप का पैसा वो दिखा रहे हैं, जिसमें 6 रिबोर जी और 3 मरम्मत। कौन है यहाँ के प्रधान? प्रधान है महसूर निशा, उनके लड़के हैं प्रतिनिधि जो फैयाज अहमद। अच्छा, यानी कार वही देखते हैं फैयाज अहमद। तो क्या जो प्रधान है महसूर निशा, वो कभी जहाँ काम होता है वहाँ या पंचायत भवन कहीं कहीं कोई काम के लिए नहीं जाती? कहीं नहीं जाती। नहीं, तो उनका सिग्नेचर कैसे होता है और बैंक से पैसा कैसे निकलता है? वो तो प्रधान ही बताएंगे कैसे निकलता, अपना दस्तखत करते हैं या उनसे करा के लाते हैं, उसका तो मेरे पास कोई। ग्राम विकास अधिकारी यहाँ कौन है? ये है ग्राम विकास अधिकारी पिंकी देवी करके। पिंकी देवी पंचायत सचिव है, सेक्रेटरी है यहाँ की, सेक्रेटरी है यहाँ की। तो क्या आप यहाँ जो ये गमन हुआ है इसके बारे में किसी अधिकारी को आप अवगत कराए या BDO महोदय को आप अवगत कराए? हम दरखास्त अपनी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब को दे चुके हैं जी, एक मनरेगा आयुक्त तो दे चुके हैं जी, DM साहब को भी दे चुके हैं, ब्लॉक पे भी भेज चुके हैं। तो क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? एक दिन जांच आई थी, 2 लोगों की टीम आई थी हमारे वहाँ। सिर्फ 2 लोग आए थे? 2 लोग आए थे जी। वो जांच करके गए, कहें कि भैया रिपोर्ट लगा देंगे। 2 दिन में फोन किया उनके पास तो वो ये कहे कि अभी मेरे पास कागज नहीं उपलब्ध है। प्रधान कह रहे हैं सेक्रेटरी के पास है, सेक्रेटरी कह रहे हैं प्रधान के पास है जी, इसी कारण से कह रहे हैं अभी रिपोर्ट नहीं लगेंगे, फिर से दोबारा जांच करने का आदेश हो गया। तो जब वो जांच करके गए तो रिपोर्ट क्यों नहीं लगाया कि? अब वो तो वो बता पाएंगे भाई, दूसरी टीम गठित हो गई है। दूसरी टीम वही लोग हैं, उसमें और कुछ बढ़े हैं। अच्छा, कुछ लोग और बढ़े हैं।